हेलो एवरीवन, देखिए अब रिलेशन बिटवीन लीनियर वेलोसिटी एंड एंगुलर वेलोसिटी की बात करते हैं, ठीक है। तो इसमें हम क्या करते हैं, सपोज कर लेते हैं कि एक सर्कुलर ट्रैक है और इस पर जो है पार्टिकल मूव कर रहा है विद रेडियस r, ये हमने मान लिया इसमें, ठीक है। और इसने जो एंगल डिस्प्लेस्ड किया वो कितना किया इसमें, डेल्टा थीटा, और जो डिस्प्लेसमेंट हुई है लीनियर वाली वो कितनी हुई है, डेल्टा एस हुई है, ठीक है। तो यही बात यहाँ पर कह रहा है, सपोज अ पार्टिकल मूविंग ऑन अ सर्कुलर ट्रैक ऑफ रेडियस आर, सर्कुलर ट्रैक ऑफ रेडियस आर, इसमें याद रखना आर एक वेक्टर है, ठीक है, क्या रेडियस वेक्टर है, बिकॉज ये यहाँ पर इसकी डायरेक्शन ये है, यहाँ पर इसकी डायरेक्शन ये है, क्लियर है इतनी बात या नहीं, समझ पा रहे हो। आर इज़ शोइंग एंगुलर डिस्प्लेसमेंट डेल्टा थीटा, ठीक है, रेडियस आर है और जो कि शो कर रहा है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट डेल्टा थीटा इन डेल्टा टी, ऑब्वियसली वाला डेल्टा टी टाइम में, कवर द डिस्टेंस डेल्टा एस, क्लियर है इतनी बात। अब देखो आपके वो पता है ये कहानी कि लीनियर जो वेलोसिटी होती है, लीनियर वेलोसिटी वी, वो क्या होती है, नॉर्मल चेंज इन डिस्प्लेसमेंट, कौन सी, लीनियर वाली, बिकॉज डेल्टा एस इज अ लीनियर डिस्प्लेसमेंट, तो ये आ जाएगा डेल्टा एस और विद टाइम। देखो नॉर्मल पता है ना आपको, वेलोसिटी क्या होती है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम होती है, तो यहाँ लीनियर की बात हो रही है, सिंपल वी जो हमारा ये लीनियर ही होता है, तो इसमें लीनियर डिस्प्लेसमेंट ये डेल्टा एस है और विद टाइम है, क्लियर है इतनी बात, कोई दिक्कत इसके अंदर। अब देखो जरा, आपको कहानी पता है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या होती है आपके पास, डेल्टा एस अपॉन में आर, डेल्टा थीटा क्या होती है, लेंथ ऑफ एन आर्क अपॉन में रेडियस, ये चीज़ मैंने आपको बताई थी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट में, यहाँ पर ये देखो, ठीक है, क्लियर है इतनी बात। अब यहाँ से आप क्या कर सकते हो, डेल्टा एस की वैल्यू निकाल सकते हो, देखो डेल्टा एस वैल्यू क्या आएगी हमारे पास, यहाँ से आर को इधर लेके जाओगे आप तो ये बन जाएगा आर मल्टीप्लाई में डेल्टा थीटा, अगर ये हमारी फर्स्ट है ये हमारी सेकंड है, तो पुट कर दो, पुट सेकंड इन फर्स्ट, तो V क्या आ जाएगा हमारे पास, डेल्टा S की वैल्यू कितनी आ गई, R डेल्टा थीटा, यहाँ पर डेल्टा S की वैल्यू रख दी, R डेल्टा थीटा, और नीचे क्या है हमारे पास, डेल्टा T है, ठीक है, कोई इसमें दिक्कत बताओ, कोई परेशानी, इतनी बात समझ में आई। अब लीनियर वेलोसिटी की कहानी होगी, एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी जल्दी से बताओ जरा क्या थी हमारे पास, ओमेगा, क्या आई थी वैल्यू इसकी, डेल्टा थीटा बाय डेल्टा टी, यही आई थी। अब ये वैल्यू मैं यहाँ पर पुट कर दूँ अगर डेल्टा थीटा बाय डेल्टा टी में, तो देयर फॉर वी इज इक्वल टू में कितना आ जाएगा, आर, और ये साथ में डेल्टा थीटा बाय डेल्टा टी की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, ओमेगा, क्या इतनी बात क्लियर है या नहीं है, ये क्या थी हमारे पास यहाँ, एंगुलर वेलोसिटी, ठीक है। तो यहाँ से हमारे पास लीनियर वेलोसिटी का रिलेशन आ गया एंगुलर वेलोसिटी के साथ, क्या, आर ओमेगा, लीनियर वेलोसिटी इज इक्वल टू में रेडियस और साथ में क्या है हमारे पास, ये ओमेगा, क्लियर, एंगुलर वेलोसिटी है, ठीक है। अब इसको लिखने का ढंग क्या हो सकता है हमारे पास एक और, कि यहाँ पर मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, वी वेक्टर इज इक्वल टू में आर वेक्टर क्रॉस ओमेगा, बताओ। अब यहाँ पर आपके मन में आ रहा होगा, डॉट क्यों नहीं किया सर, क्रॉस क्यों कर दिया, तो अगर आपने डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट देखे हैं, उनमें हम क्या करते थे, अगर हमारा डॉट प्रोडक्ट होता था तब भी दोनों वेक्टर होते थे जिनको हमें मल्टीप्लाई करना है, और क्रॉस में भी क्या होते थे, दोनों वेक्टर होते थे, तो यहाँ पर भी ये वेक्टर ही हैं, आर मैंने बोल दिया था पहले ही, रेडियस वेक्टर है, और ओमेगा क्या है हमारी, एंगुलर वेलोसिटी, और एंगुलर वेलोसिटी वेलोसिटी की तो डायरेक्शन है ही है, जैसे मैंने आपको बताया था एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की भी एक्सिस के अलॉन्ग डायरेक्शन होती है, वैसे ही एंगुलर वेलोसिटी की भी उस एक्सिस के अलॉन्ग ही डायरेक्शन होगी, या नहीं, समझ पा रहे हो या नहीं बात को, क्लियर है इतनी चीज़ या नहीं बताओ, कोई दिक्कत इसके अंदर, ठीक है। तो यहाँ पर हमें इतनी बात पता थी, डॉट प्रोडक्ट में जो रिजल्ट आता है वो हमारा क्या होता है, स्केलर होता है, और क्रॉस में जो रिजल्ट आता है हमारे पास वो वेक्टर होता है, ये चीज़ हमने बताई थी या नहीं बताई थी, तभी डॉट प्रोडक्ट का नाम स्केलर प्रोडक्ट भी है और क्रॉस प्रोडक्ट का नाम वेक्टर प्रोडक्ट भी है। तो यहाँ पर ये जो वी है क्या है, लीनियर वेलोसिटी है, और वेलोसिटी आ गया वर्ड, तो वेलोसिटी तो वेक्टर क्वांटिटी है, तो वेक्टर ही मिल रहा है दो वेक्टर को मल्टीप्लाई करने के बाद, इसका मतलब ये क्या है, इनका क्रॉस प्रोडक्ट ही होगा, बताओ समझ में आई कहानी, बिल्कुल सिंपल सी बातें हैं, बताओ। नेक्स्ट बात करते हैं हम रिलेशन बिटवीन ओमेगा म्यू और क्या है हमारे पास, टी टाइम पीरियड। ओमेगा क्या होता है, एंगुलर वेलोसिटी, म्यू क्या होता है हमारे पास, फ्रीक्वेंसी, और टी क्या होता है, टाइम पीरियड, इनके बीच का रिलेशन कह रहा है आपको, ठीक है। तो बिल्कुल सिंपल सा है, लेट अ पार्टिकल कंप्लीट वन रेवोल्यूशन इन टाइम टी, मतलब टाइम पीरियड कितना है हमारे पास, टी आ गया, तो मैं यहाँ टाइम लिख लेता हूँ कितना है, टी है, ठीक है, समझ रहे हो, एक कंप्लीट रेवोल्यूशन, एक कंप्लीट रेवोल्यूशन को पूरा कर रहा है ये, यहाँ से चला और दोबारा यहाँ आ गया, ठीक है, तो कितना हो रहा है ये आपके पास, टाइम पीरियड ले रहा है टी। एंड द एंगल ट्रेस्ड एट इट्स एक्सिस इज 2 पाई रेडियन, अब 2 पाई रेडियन कैसे हो गया, देखो ये यहाँ है इसका रेडियस वेक्टर, ठीक है,
ये पूरा कंप्लीट कर रहा है यहाँ से, ये पूरा घूम के दोबारा कहाँ आ रहा है, यहाँ आ रहा है। अब देखो जरा, आपको एंगल्स पता है, ये क्या होता है 180 डिग्री यहाँ तक पहुँचा जाए, और फिर अगेन ये पूरा किया 180 डिग्री, तो यानी कि 180 और 180 कितना हो गया पूरा रेवोल्यूशन 360 डिग्री का। अब आपको पता होना चाहिए 180 क्या होता है, पाई रेडियन होता है, और 360 क्या होता है हमारा, 2 पाई रेडियन होता है। 360 पूरा कवर कर रहा है, तो हमारे पास ये क्या हो गया 2 पाई रेडियन बोल रहे हैं हम, जो एंगल ट्रेस किया इसने एक्सिस के अलोंग वो कितना किया 2 पाई रेडियन। रेडियन में क्यों लेंगे, बिकॉज एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हम रेडियन में ले रहे हैं, कहीं 360 डिग्री लिख दो, ठीक है, तो 2 पाई रेडियन बोल रहे हैं हम इसको, ठीक है। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ यहाँ पर कि जो हमारे पास थीटा है वो कितना है हमारा, इसमें 2 पाई है, ठीक है, जिसको मैं लिखूंगा क्या, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है ये, क्या है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है। क्या इतनी बात क्लियर है या नहीं है बता दो जरा, ठीक है, कर लोगे इसको। अब देखो थीटा पता चल गया हमें, टी भी पता चल गया, यानी कि टाइम पीरियड भी पता चल गया। अब हमें पता है एंगुलर वेलोसिटी, क्योंकि रिलेशन निकालना है एंगुलर वेलोसिटी का। एंगुलर वेलोसिटी जो होती है हमारे पास वो क्या होती है, जल्दी से बताओ जरा, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम टेकन, यही होता है। अब ये हमें पता है ओमेगा से लिखते हैं, ठीक है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हम किससे लिख रहे हैं यहाँ पर, थीटा से लिख रहे हैं, और टाइम पीरियड किससे लिख रहे हैं हम, टी से लिख रहे हैं, ठीक है। रिलेशन बनाना है हमें, इसलिए हम डेल्टा डेल्टा नहीं लेके चल रहे हैं यहाँ पर, एक पर्टिकुलर रिलेशन बनाएंगे यहाँ पर किसी तरीके से, ठीक है। तो ये आ गया हमारे पास, क्लियर। तो थीटा कितना लिया है हमने अभी बताओ, 2 पाई, ठीक है ना, ये 2 पाई लिया, तो 2 पाई, और टाइम कितना है हमारे पास, ये टी ही है, और ये ओमेगा। तो एक रिलेशन तो ये आ गया आपके पास, ठीक है ना, किसका आया, एंगुलर वेलोसिटी का विद टाइम पीरियड, क्लियर है। अब आपको कहाँ नहीं पता है कि जो टाइम पीरियड होता है वो 1/ν होता है, या फिर हम कहें कि जो न्यू होता है वो क्या होता है, 1/T होता है। मेन ये कहानी बताई थी मैंने आपको, बताओ न्यू इज इक्वल टू में क्या होता है, 1/T होता है। तो यहाँ पर ये 1/T है, ये 1/T है यहाँ पर, तो 1/T को मैं क्या लिख सकता हूँ, न्यू लिख सकता हूँ। तो यहाँ पर ओमेगा जो है एक और आ जाएगा, 2π, और 1/T है ना, ये नीचे टी है ना, तो यानी कि 1/T है, तो मैं इसको न्यू लिख सकता हूँ। तो ये क्या बन गया, एंगुलर वेलोसिटी की वैल्यू क्या आ रही है, 2π, अगर फ्रीक्वेंसी के साथ रिलेशन देखें तो 2π, और टाइम पीरियड के साथ देखें तो 2π/T आ रहा है एंगुलर वेलोसिटी। और यहाँ पर जो ये ओमेगा है 2π, न्यू आ गया ना ये, इसको मैं एंगुलर फ्रीक्वेंसी भी बोल सकता हूँ। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ, दिस इज़ ऑल्सो नोन एज एंगुलर फ्रीक्वेंसी, कौन सी वाली को, 2π/ν को। इतनी बात क्लियर, न्यू आ गया ना इसमें, फ्रीक्वेंसी आ गई, इसको हमने क्या बोल दिया, एंगुलर वेलोसिटी को हमने क्या बोल दिया, एंगुलर फ्रीक्वेंसी बोल दिया। क्या इतनी बात क्लियर है या नहीं है बताओ। यहाँ पर कंफ्यूज ना होना ये कि टी को 1/ν कर दिया, अगर यहाँ टी को 1/ν कर दोगे, यहाँ पुट करोगे, तब भी आएगा यही, देखो 2π, और टी को क्या करोगे 1/ν पुट करोगे, न्यू ऊपर ही जाने वाला है, ऐसे भी आ जाता, ठीक है, या फिर 1/ν को ही मैंने क्या कर दिया, न्यू पुट कर दिया। ये चीज़ आपको पता है या नहीं पता बताओ, सिंपल था। तो रिलेशन बन गया हमारा एंगुलर जो वेलोसिटी का है विद फ्रीक्वेंसी और विद टाइम पीरियड। तो विद टाइम पीरियड क्या बना, 2π/T, और विद फ्रीक्वेंसी क्या बना, 2π/ν, और इस 2π/ν वाले को हम क्या बोल देते हैं, एंगुलर फ्रीक्वेंसी भी बोल देते हैं ओमेगा को। क्लियर है इतनी बात या नहीं बताओ। तो यहाँ से ये रिलेशंस आपको समझ में आ गए, लीनियर वेलोसिटी के एंगुलर वेलोसिटी के साथ, ठीक है, और साथ में फिर एंगुलर वेलोसिटी का विद टी एंड न्यू, ठीक है, समझ रहे हो। तो ये आपके पास न्यूमेरिकल्स में यूज़ होंगे, इसलिए इंपॉर्टेंट थे, क्लियर, कर लोगे इनको। ओके, थैंक यू।